बड़ी खबर है, रूस के सैन्य अफसर का न्यूक्लियर वॉर पर बड़ा बयान। यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका है। न्यूक्लियर हमले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रूस ने रिसर्च भी की है। मौसम के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर पड़ने वाले असर पर भी रिसर्च की गई है। साल 2000 में यूक्रेन और उसके आसपास रिसर्च कर चुका है रूस। तो क्या अब रूस ने मन बना लिया है न्यूक्लियर अटैक का, इसलिए कहीं ये रिसर्च तो नहीं कराई गई है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब तैयारी इस बारे में भी रूस अपनी बढ़ा रहा है। और जिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आखिर है क्या, पहले ये आपको हम समझाते हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल पर उसकी डिटेल्स आपके सामने ये रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सीमित दायरे में तबाही के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है और चुनिंदा सैन्य ठिकानों को निशाना इससे बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, छोटे परमाणु वॉरहेड भी इसमें लगे होते हैं। 1 से 100 किलो तक का वजन इसमें हो सकता है और एक से दूसरी जगह ले जाने में आसान भी है। ये तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रूस यूक्रेन के किन किन इलाकों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है और इससे कितने लोगों को नुकसान होगा, अब आपको हम आगे ये बताने वाले हैं। सबसे पहले, अगर रूस ने चला लिया, इस्तेमाल कर लिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तो क्या होगा? सबसे पहले, कीव में अगर ऐसा हमला होता है तो 5,000 से 7,000 लोगों के मरने की आशंका है। सेंट्रल कीव तो मानिए पूरी तरह से इस हमले के बाद तबाह हो जाएगा। ओडेसा अगले शहर का रुख करते हैं। यूक्रेन का अगला शहर है ओडेसा, जिसे पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। अगर यहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो 4,000 से 5,000 लोगों के मरने की आशंका है। पोर्ट सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लवीव की बात करें, अगर यहां पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया रूस ने तो 2,000 से 3,000 लोगों के मरने की आशंका और पोलैंड सीमा तक भी इसका असर हो सकता है। ज़ापोरिज़्या, जो कि सेंटर पॉइंट बना हुआ है, यहां अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया रूस ने तो 1,000 से 2,000 लोगों के मरने की आशंका और न्यूक्लियर प्लांट पर पैदा हो जाएगा सबसे बड़ा खतरा। इसीलिए रूस बार बार इस बारे में विचार कर रहा है कि क्या अभी सही समय है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए।